ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुजरिम बनाया जा रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल और दो पुलिस वालों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं है, इसे हम काट दे रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 16 दिनों में दूसरी बार साबरमती टू नैनी जेल का सफर करने वाला माफिया अतीक अहमद अब अपना दर्द बता रहा है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास्त दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया, वहां जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफिया गिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। जेल में क्या जानू भाई, कह रहे हैं ना, तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल में, जेल से क्या। अतीक और अशरफ ऐसे बदमाश हैं जिन्होंने न जाने कितने परिवारों को परेशान किया है, लेकिन जब इनके परिवार पर शिकंजा कस गया तो फंसाने की बात कर रहे हैं। तो खुद कहना चाहिए कि बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुजरिम बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन एक फुटेज आपको कहना चाहिए। लेकिन अतीक के सताए हुए लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि माफिया का नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। उसको कहां मट्टी में मिला पाए, वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहां मिला है। एक तरफ उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद पर शिकंजा कस गया है, दूसरी तरफ अतीक के खिलाफ ईडी की भी एंट्री हो गई है। प्रयागराज में अतीक अहमद के कई करीबी लोगों के खिलाफ ईडी की रेड चल रही है। उमेश पाल शूट आउट केस में घेरेबंदी होने के बाद, नाम सामने आने के बाद, ईडी की टीम अब एक बार फिर से अतीक अहमद, उसके परिवार और करीबियों पर शिकंजा कसने लगी है। अगर कहीं कोई भूमिका सामने आती है तो इन करीबियों के खिलाफ भी ईडी की टीम जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी।